का भी थोड़ा हल्का ही आएगा, ये भी पिंग नहीं है, ये भी पिंग नहीं है, आप अभी डिफरेंस देखेंगे इसके बाद। अच्छा, ये कंप्रेस कर रहे हैं जी, ये भी कंप्रेस कर रहे हैं। अभी अगर आप इसका चेक करेंगे स्ट्रोक, तो इसमें पूरा चेंज हो गया, इसमें पूरा ये भी चेंज हो गया। अभी इंग्लैंड वालों को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी करनी है, हमें वो नहीं आई, तो उसी वजह से जो कश्मीर में पीछे रह गया, बाकी कोई बात है नहीं। अभी जो हमने जो रिसेंटली बैट दिए हैं इन्होंने इंडियन वुमेन क्रिकेट नेशनल प्लेयर्स को दिए हैं, जैसे कि हरमनप्रीत कौर जी भी यहाँ आई थी, तो उनको हमने बैट दिया, वो सीवा सरप्राइज कि इतना लाइट वेट कश्मीर में लो। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग इस समय कश्मीर में हैं, और कश्मीर बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी विलो का बल्ला वो भी बहुत मशहूर है। कश्मीरी विलो एक लकड़ी होती है और उसका बैट बनाया जाता है। हम लोग इस समय अनंतनाग की एक बैट फैक्ट्री में मौजूद हैं, और बैट फैक्ट्री कैसे बैट बनाती है, उनके बैट का दाम कितना है, सबसे सस्ता बैट कितने का होता है, सबसे महंगा बैट कितने का होता है, और किस बैट से T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा छक्का मारा किसने, ये सभी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो मेरे साथ नियाजुल कबीर हैं, इस अधिष्ठान के मालिकों में से एक, चलाने वालों में से एक, और पीछे बल्ला बनना चल रहा है। नियाजुल बात कर रहे, क्या बुलाओ, नियाजुल बुलाओ कबीर बुलाओ, कबीर बुलाओ, ठीक है। तो कबीर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए पहले कि बहुत सारे बैट देखे हैं हम लोग, हम और अमितेश मेरठ भी गए थे, हम लोग और जगहों पर भी गए थे, लेकिन कश्मीरी विलो क्यों खास है? जी, अगर हम बात करेंगे विलो की पहले, तो पहले हम सबसे पहले हमें प्रॉब्लम जो आ रही थी वो कश्मीरी विलो की कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, इसमें कोई रिकॉग्निशन हमें नहीं मिल रही थी कहीं पे भी। तो कश्मीरी विलो में ऐसा, अगर आप ऐसे देखेंगे सच कि इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम थी नहीं जिसकी वजह इसको पीछे इतना रखा गया, इसकी कोई आइडेंटिटी थी नहीं कहीं पर। तो अभी इस पर जैसे हमने काम किया, इस पर हमने रिसर्च किया, तो इस पे हमने ऐसा बैट बनाया जो कि प्रोफेशनल लेवल का बैट बनाया, वो जो भी सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया, जैसे कि आपने कहा कि 2020 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े छक्का भी इसी से गया हुआ है। तो कश्मीरी विलो इसलिए क्योंकि इसका रॉ मटेरियल हमारे पास है, हमारा इसके पास सोर्स है, तो अगर हमारे अपने देश का ही सोर्स इसमें है, अपने देश का ही रॉ मटेरियल है, तो क्यों ना हम अपना ही चीज़ यूज़ करें। ये जो रखा हुआ है स्टॉक, ये कश्मीरी विलो का है। कहाँ कहाँ कश्मीर में ये इसकी प्लांटेशन कहाँ होती है? कश्मीर में इसकी प्लांटेशन हो रही होती है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए बानीहाल से पूरा कश्मीर में इसकी प्लांटेशन होती है। क्या भाव आती है लकड़ी ये? जी, इसकी डिफरेंट अलग अलग प्राइसेस होती है, डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड का है, तो उसी अकॉर्डिंगली इसकी प्राइसेस भी होती है। और इंग्लिश विलो का जो बल्ला आता है वो सबसे हल्का बल्ला माना जाता है, मतलब एक्चुअली वैसे कोई मसला है नहीं, हल्का या भारी वो कोई मसला है नहीं। अभी जो हमने जो रिसेंटली बैट दिए हैं इन्होंने इंडियन वुमेन क्रिकेट नेशनल प्लेयर्स को दिए हैं, जैसे कि हरमनप्रीत कौर जी भी यहाँ आई थी, तो उनको हमने बैट दिया, वो सीवा सरप्राइज कि इतना लाइट वेट कश्मीर में लो। वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि यहाँ का बल्ला हैवी होता है कुछ, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, इंग्लिश विलो के मुकाबले जिसको अभी तक माना जाता था कि हल्का होता है, उसके मुकाबले कश्मीरी विलो इस लकड़ी, दोनों में अंतर क्या होता है? जी, अंतर ऐसे वैसे कोई अंतर है नहीं, लेकिन खाली ये चीज़ है कि वो उन्होंने एक अपने प्रोडक्ट को उनको मार्केटिंग करनी अच्छी आ गई, जो कि इंग्लैंड वालों को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी करनी है, हमें वो नहीं आई, तो उसी वजह से जो कश्मीर में पीछे रह गया, बाकी कोई बात है नहीं। तो ये कबीर क्या कर रहे हैं ये? जी, अभी ये यहाँ पर हम ग्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ से फिर बैट को अलग अलग ग्रेड किया जाता है, कौन सा किस ग्रेड में जाएगा, टेनिस के लिए कौन जाएगा, सीजन बॉल के लिए कौन जाएगा, तो यहीं से स्टार्ट होता है प्रोसेस, वन यहीं से स्टार्ट होता है। फिर क्या बैट पर किस तरीके की गेंद पड़ेगी वो यहाँ से शुरू होगा? जी, वो यहाँ पे विलो हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बैट, कौन सा क्लिप किस में जाएगा। अच्छा, तो वो यहीं से शुरुआत यहीं से होती है। तो अभी क्या किस बैट के लिए काट रहे हैं, किस किस्म के बैट? ये अभी सीजन बैट इसका बनेगा, ये इसका जो विलो जो क्लिप है ये सीजन बैट के लिए जाएगा, लेदर बॉल्स के लिए, बेसिकली लेदर बॉल के लिए। टेनिस बॉल के लिए अलग बनाते हैं आप? टेनिस बॉल के लिए अलग जाता है, उसके लिए लकड़ी अलग रहती है, ये इसके लिए लकड़ी अलग रहती है। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम जाते हैं इस वाले मशीन पे, यहाँ पे हमें हैंडल फिक्स किया जाता है, तो यहाँ ये अक्ल बैट बाल रहे हैं, बैट काट रहे हैं जी, यहाँ हैंडल यानी ये यहाँ पे हैंडल नहीं, हैंडल हम यहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे इसका विकेट लगता है, और फिर हैंडल का भी लगता है, फिर हैंडल यहाँ पे फिक्स किया जाता है इस वाले मशीन पे। अच्छा, ये जो खांचा काट काट के रखा हुआ है, ये है
ये आप अभी देखेंगे तो अभी दिखा करके दिखाएंगे आपको कि कैसे ये किया। आ जाओ तुम इधर से दिखा लोगे आराम से। दोस्त अच्छा ये कटा हुआ वहाँ से आया फिर इस पे आ गया, वहाँ से आ गया, वहाँ से कट गया, वहाँ पे वो पूरी इसकी शेप निकलेगी, फिर यहाँ से उसके बी कट लगेगा और हैंडल का भी अकॉर्डिंगली कट लगेगा और फिर फिक्स किया जाएगा। और हैंडल कहाँ से आती है फिर आपकी? जी और हैंडल आता है बाहर से ही, ये मोस्टली सिंगापुर मलेशिया वहीं से आता है। उसको हैंडल फॉर्म में यहाँ पे बनाना पड़ता है, लकड़ी केवल हैंडल लकड़ी आती है वहाँ पे, खाली केन आता है हमें, तो फिर उसको हैंडल यहाँ पे बनाते हैं हम। लकड़ी होती है हैंडल में? वो केन, केन की लकड़ी होती है जी, उसको केन ही बोलते हैं। अमितेश तुम्हारे भी कुछ क्वेश्चन होंगे पूछ लेना, तुम ज्यादा जानते हो सब बारे में, ठीक है? इतना कचरा निकल रहा है, ये सब क्या करेंगे? सबका जो कतरने निकल रही हैं, भूसी निकल रहा है, ये सब जलाया जाता है, ये मोस्टली विंटर्स में यूज किया जाता है, फिर कश्मीर में कोयले वाला ये पड़ता है, बढ़िया ठंड पड़ती है। ये तो वेस्टेज है, आप मान के चलिए वेस्टेज है सारा। ये सब कश्मीर में कब से शुरू हुआ बैट का काम? जी ये कश्मीर में बहुत पहले से, आप मान के चलिए कि ये उधर देख के 1948 से ये कश्मीर में स्टार्ट हुआ है ये काम, तो तब से अभी तक ये चल रहा है ये काम कश्मीर में। अच्छा जी, अराउंड 70 इयर्स हो गए अभी। कितने इस तरह के, कितने आपके जैसे कितने प्रोड्यूसर होंगे यहाँ पे? अभी यहाँ पे 400 यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी 400 यूनिट अभी कश्मीर में है। किस इलाके में है ये लोग? ये पूरा अगर आप ये सिटेज देखेंगे 5-6-7 किलोमीटर का ये एरिया वाला इलाका, हाँ ये पूरा एरिया खाली इसी के लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है पूरा, ये यहाँ पे खाली सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सारे मोस्टलीटेड 90% यहीं पे है। इस इलाके की बात करते हैं, कर रहे हैं ये, अगर हम आपको बता दें, आप अगर श्रीनगर आप आते हैं, श्रीनगर से आप जाइए अनंतनाग, अनंतनाग से जाएंगे, अनंतनाग के पहले पड़ता है एक इलाका बिजबेहरा, और उसके एक संगम का पुल पड़ता है, यानी जो झेलम नदी का पुल है, हाँ मेन हाईवे पे ही ये सारी आप जाएंगे, कई सारी दुकानें कतार से दिखाई देंगी, श्रीनगर जाते समय आपको दाहिनी ओर दिखाई देंगी बहुत सारी दुकानें अपने, तो उसमें वही एक GR8 स्पोर्ट्स है जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं। तो ये कश्मीरी विलो के बल्ले बना रहे हैं, कश्मीरी विलो के बल्ले बीच में, जैसा ये बता रहे हैं कि बीच में इतने प्रचलन में नहीं थे, इंग्लिश विलो के बल्ले ज़्यादा प्रचलन में थे ना, है ना मितेश? और फिर कश्मीरी विलो का ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ, ये कितने समय पहले हुआ कि कश्मीरी विलो को थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हुई? 2020 वर्ल्ड कप में हमने इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल लेवल में पहले कश्मीरी विलो बैट को, तो ओमान का, ओमान टीम ने यूज़ किया था पहले, ओमान की टीम ने 2021 वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद फिर हम लगातार हमने कंट्रीज, हमने 3 साल हम लगातार, अभी 3 वर्ल्ड कप हुए तब से, तो 3 वर्ल्ड कप में हमने अपनी यहाँ पे हमारे प्लेयर्स ने यूज़ किए हैं, तो 2021 से इसको रिकॉग्निशन ये शुरू हो गई इसकी मिलनी। अच्छा जी, रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई जी अभी 2022 वर्ल्ड कप में, अभी फिर सबसे बड़ा छक्का भी लगा, और फिर वो जुनैद सिद्दीकी ने ऑस्ट्रेलिया में लगाया था वर्सेस श्रीलंका मैच था, और अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप में, तो इसमें भी यूज़ किया हुआ है, उसमें भी बहुत सारे वो भी सक्सेस छक्का था, वो 109 मीटर का था, वो पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा छक्का वही था। हमारे ही बल्ले से मारा था वो, भी आप अभी भी सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, मतलब आपके पास है आगे रखा है उस, नहीं वो तो प्ले, हाँ वैसे तो बैट तो मिलेंगे वैसे, हमने ही बनाया तो हमारा ही प्रोडक्ट है वो। कितने का बल्ला था वो? वो तो वैसे डिफरेंट, वो तो प्लेयर को तो वैसे ही, वो तो अलग जाता है प्लेयर को, प्लेयर मत छोड़िए, मान लीजिए मैं खरीदने आता हूँ वो, फिर वो जो प्लेयर एडिशन का बैट है वो 15,000 का जाता है हमारे यहाँ से, 15,000 का जी, वो सबसे महंगा बल्ला है वो कश्मीर विलो में, वो सबसे महंगा वो, क्योंकि हमने नज़र में रखा है कि हमारे जो हमें अपने देश को कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट देना है जो कि हम कम रेट में दें और प्रोफेशनल प्लेयर यूज़ कर सके वो, ऐसा ना हो क्योंकि यहाँ मोस्टली जो है वो लोअर मिडिल क्लास ये से है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्लेयर्स हो वो इस वजह से उनका कैरियर ख़त्म ना हो, लोगों का कैरियर इस वजह से ख़त्म ना हो क्योंकि इसके बैट बाकी चीज़ें महंगे आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका फिर वो ड्रीम ही रह जाता है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट उनको देते हैं और वो भी उस रेट में कि जो इंग्लिश विलो के मुकाबले में ऑलमोस्ट 10% है खाली इंग्लिश विलो की रेट में, और इस कितने का पड़ता है वो जो टॉप लेवल का बल्ला जाता है अभी वो जाता है 1.5 लाख 1.2 लाख अराउंड, तो वहीं पे हम दे रहे हैं कि खाली 15,000 में, तो देयर इज 10% ऑफ दैट ओनली, तो वैगनार में डाल के ओला चला दे 1.95 लाख में जाता है, अगर आप देखेंगे 1.95 2 लाख में जाता है बैट, तो आप
नहीं हीरे मेरे बैट यही होता है बस होते हैं बस मतलब पहले तो बताते थे कि 100-200 ग्राम का फर्क होता था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि वैसा कोई फर्क नहीं होता है। दोनों विलो के फर्क वेट में और ग्रेन्स का थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ से हम अभी एक्सपोर्ट करते उन नेशंस में जहाँ से इंग्लिश विलो आता था। अभी हम आप मान के चलिए कि पिछले 2 साल में हम यहीं से उनको दे रहे हैं वापस। और लकड़ी वकड़ी का प्रोक्योरमेंट कितना आसान है, कितना कठिन है, प्राइसिंग में कितना कंट्रोल है, क्या है? लकड़ी का जो प्रोक्योरमेंट है वो यही है कि वो आपके एक्सपीरियंस पे है कि आपको ये देखना पड़ता है कि क्योंकि पूरी प्रोसेस जो आपकी जो भी रहेगी बैट की वो इसी लकड़ी पे ही निर्भर है। जितनी अच्छी आप लकड़ी लाओगे बैट उतना ही अच्छा बनेगा आपका। ये आप वही केन जी ये है, ये हैंडल हमने उसका बनाया, ये हैंडल बनाया जी। तो अभी जो वहाँ से वीकट लगा फिर इसमें फिक्स किया जाएगा, ये ऐसे जाएगा जी, ये इसमें फिक्स किया जाएगा, उसमें गिलू लगेगा और फिर ये अकॉर्डिंगली सेकंड जी इसके बाद भी तो फिनिशिंग होगी ऐसा तो इतना नहीं, अभी तो बहुत काम है इसमें, अभी तो इसके बाद पूरा हाथ का काम है इसमें, मोस्टली इसमें हाथ का ही काम रहता है, पूरा हैंडमेड ही रहता है। तो फिर आगे इसमें वो प्रोसेस तो अभी तो ये खाली स्टार्ट है, ये तो बस अभी तो स्टार्ट हम भेज ऐसा दिखेगा, बाकी कुछ अभी तो बाकी सारा काम तो अभी पेंडिंग ही है इसका। अच्छा आइए, तो ये फैक्ट्री कब से चल रही है आपकी? जी हमारी फैक्ट्री सिंस 1974, तो 1974 से हम भी है इस बिजनेस में। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे जी, मुझे नहीं पता आप कितना कंफर्टेबल होंगे जवाब देने में, क्योंकि कश्मीर एक अलग टेरेन है पूरे भारत से, थोड़ा सा अलग टेरेन है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा है, इतना ज़्यादा इंकर्जन रहा है कि लोग बोलने से बचते हैं, घबराते हैं, क्योंकि सब उनको मिलिटेंट्स का भी डर है, कुछ लोगों को आर्मी का भी डर है, अलग अलग तरह के डर हैं सबके। ये सब फैक्ट्रियाँ जो हैं जितनी चल रही हैं इस हाईवे पर, इस पूरे वक्फे में मिलिटेंसी और तमाम चीज़ों का कितना असर पड़ा है इस पर? कभी बंद रहती होंगी, कितना असर पड़ा? जो जब पूरे कश्मीर में हड़ताल रहता था, बंद रहता था, लॉकडाउन, तो इफेक्ट तो हर एक जगह, हर एक बिजनेस यूनिट उस टाइम हुआ, तो हम भी उस टाइम में बंद रहते थे, तो पूरा बंद तो हर एक जगह, कहीं से बंद था, कहीं से कुछ ट्रांसपोर्ट, हम खुला भी रहते तो भी क्या फ़ायदा होता, जब ट्रांसपोर्ट ही बंद था, जब सड़कें बंद थी तो कोई फ़ायदा नहीं, तो तब बंद सब कुछ था तो हम भी बंद थे तब, तो असर तो तब पड़ा, बहुत सारा असर पड़ा, मिलिटेंसी का तो हो गया बहुत सारा उसमें, वरना कई सारे बिजनेस पनपते समय से नहीं, बिल्कुल उस टाइम वो बिजनेस लॉस वो सब पूरे कश्मीर को हुआ, तो इस इंडस्ट्री को भी बहुत सारा वो झेलना पड़ा था। ये क्या मशीन है? ये कंप्रेशन मशीन है, बैट का जो भी स्ट्रोक आता है वो यहीं से आता है, स्ट्रोक हाँ, बैट पे जो आप पिंग देखते हैं हाँ, वो यहीं पे। और इसके अलावा हमें एक और मशीन है जिसमें हम मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमें पेटेंट टेक्नोलॉजी एक यूज़ करते हैं, AI बेस्ड कंप्रेशन होता है, AI बेस्ड हाँ, जो कि हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, वो AI बेस्ड है, उस पर हमारा पेटेंट भी है, तो हम मोस्टली हमने वही इंटीग्रेट किया है अपने एक्सपीरियंस अपने नॉलेज, समझा तो दीजिए, दिखाई नहीं सकते आप। उसमें पूरा चलता पता चलता है बैट का, सब कुछ उसका पता चलता है, कहाँ पे हमें क्या करना है बैट को। अच्छा बैट का AI मॉडल डालते हैं उसमें, उसकी मॉडलिंग पे यूज़, उसमें हमें पता चलता है बैट को कहाँ से कितना पिंग होना चाहिए, कहाँ से कितना इसमें, कहाँ पे कौन सी काम की जरूरत है, कितना इसमें कहाँ पे क्या कंप्रेस करना है, तो वो हमें उस चीज़ें पता चल जाता है। तो इसीलिए हमारा ये कैसे काम करती है मशीन, मतलब बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँगा, मतलब कंप्रेशन के मैं एक ऐसा एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ भाई साहब कि कंप्रेशन के पहले हाँ, कितना बाउंस है और कंप्रेशन के बाद कितना बाउंस दिख रहा है, उससे थोड़ा समझ में आ जाए अगर। तो हम लोगों ने कट लिया था क्योंकि ये देखना था अपने को कि कंप्रेशन के पहले और बाद में बल्ले के पे जो पिंग होता है, जो बाउंस होता है स्ट्रोक का, उसका कितना असर पड़ता है, तो कैसे चेक करते हैं आप लोग? जो भी ये कंप्रेसर, ये मतलब आपने वो बल्ला वहां से जुड़ के आया, आपने उसको इस तरह से एक शेप दे दिया अपना, ठीक है, तो अभी विदाउट कंप्रेस से अगर आप देखेंगे तो ये भी उतना बाउंस नहीं करेगा, इसमें साउंड भी डिफरेंट आएगी आपको। अभी जब इसमें हम कंप्रेस करेंगे इसकी पूरी साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी और ये बाउंस जो है इसका ये एकदम जी, आप करिए हाँ, आप कीजिए अभी आपको ये लगेगा इसमें अभी जो इसकी साउंड है, आप थोड़े इसमें अभी साउंड नहीं आएगी और इसमें भी ये वापस बाउंस नहीं हो रहा है अभी। अच्छा इसका बाउंस नहीं आ रहा है, अगर हम जोर से दबाएंगे ये दब जाएगा पूरा, बच्चा बैठ जाएगा, ये पूरा दब जाएगा, जहाँ से भी हम मारेंगे अभी इसको ये दब जाएगा। जैसे हम कंप्रेस करेंगे फिर आप इसको कितना भी मारो, एक तो ये बाउंस हो जाएगा, बॉल का पिंग भी अभी वैसा नहीं आएगा इसका, अभी थोड़ा हल्का ही आएगा, ये भी पिंग नहीं है, ये भी पिंग नहीं है, आप अभी डिफरेंस देखेंगे इसके बाद, तो
तो ऑलरेडी ऑल दो इसमें अभी जो है अभी बहुत काम है, लेकिन इसमें थोड़ा हम पानी वानी लगाते हैं, लेकिन टाइम पानी लगाते हैं मतलब हाँ, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है कंप्रेस के लिए, कंप्रेस ऐसे नहीं किया जाता है। अच्छा, पानी लगा के कंप्रेस इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ऑयलिंग करते हैं हम, तो वो सारे काम इसमें होते हैं पहले। अच्छा, वो वुड को तैयार करता है उसके लिए, वुड को तैयार करते हैं, वो पूरा उससे एक अंदर बैठ के अंदर एक वो स्ट्रोक बन जाता है उसी चीज़ से। अच्छा, ये कंप्रेस कर रहे हैं जी, ये भी कंप्रेस कर रहे हैं। कितने रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो उसी के लिए जो हमने मशीन में आपको बता रहा था AI बेस्ड जो है, तो वो मशीन हमें वही हमें बेचते किसमें क्या करना है हमें। अच्छा, बैट की मोटाई कितनी है, क्या किस तरह की बॉल खेलनी है आपको, कहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट है पिंक, कहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट है कंप्रेस, कहाँ पे कितना कंप्रेस करना है इसको, उसमें हमें वहाँ पे पता चल जाएगा। अभी अगर आप इसका चेक करेंगे स्ट्रोक, तो इसमें पूरा चेंज हो गया, इसमें पूरा ये भी चेंज हो गया। अभी आप इससे भी देखेंगे तो वॉइस भी चेंज हो गए, अभी ये बाउंस करेगा, पहले एक बार उठता था, अभी फैक्ट्री बंद हो गई थी और कई सारे कामगार इस वीडियो के लिए रुक गए हैं, तो एक व्यक्ति ही सारी प्रोसेस को दोहरा करके दिखा रहा है हम लोग को, एक दो ही व्यक्ति है, तो आप भी थोड़ा सा 4 बजे हमें बंद हो जाता है, 4 बजे बंद रहता है काम, 4 बजे बंद हो जाता है, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक काम चलता है हमारा, सुबह आठ से चार तो 4 बजे फैक्ट्री बंद होती है, तो उसके बाद कारीगर है ये अभी रेस्ट कर रहे थे, तो अभी आप अभी शूट करने के लिए हमने उनको अभी अभी इसका पूरा ये शेप वेप जो भी बैट की शेप होती है, प्लेयर को जो प्लेयर की जो भी कस्टमाइजेशन होती है, या डिफरेंट कंडीशंस पे बॉल कैसे क्या बैट कुछ कहाँ पे रखना है, कहाँ पे अपर बैलेंस लगता है, लोअर बैलेंस लगता है, वो काम ये है पूरा यहाँ पे, ये पूरा हाथ से किया जाता है, तो यहाँ पे बैट को पूरा वैसे ही बनाया जाता है जैसे प्लेयर की रिक्वायरमेंट हो, या कंडीशन जैसे यहाँ पे जिस रिक्वायरमेंट हो वो वैसे ही बनाया जाता है। एक बैट तैयार करने में कितना देर लगता है, ये पूरी एक जो कारीगर है ये अलग अलग प्रोसेस में जाता है, जैसे एक कारीगर है उसका खाली ये काम है, तो वो खाली ये काम करेगा, दूसरा कारीगर है उसका, तो ये जिसका ये काम है वो एक कारीगर दिन में हार्डली 10 बेड बना सकते हैं, 10 बेड बना सकता है वो। हाँ, जो और जो प्लेयर बेड होते हैं वो तो बनते नहीं है वैसे मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, 10 बेड बनते हैं, जो प्लेयर बेड बनते हैं वो तो उसमें तो खैर 2-3 दिन लगते हैं हमें एक बेड बनाने में। हाँ, उसमें ये नॉर्मल बैट में ये एक दिन में आठ से दस बैट क्योंकि ये हाथ का काम है, इसमें समय भी लगता होगा काफी, हाथ का काम है पूरा, हम चाहते भी यही है कि इसको हाथ से ही बनाएं, इसमें कई मशीन को हम यूज ना करें, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है बैट की खूबसूरती वो तभी है जब ये हाथ से बने, मशीन बैट तो वैसे वो तो कोई बैट वो तो उस लेवल के वो फील नहीं आता है। फिर पीछे देखे थे मितेश, वो थोड़ा सा ऐसे था स्लोप में था, अब बीच में से हल्का सा ग्रूव। हाँ, यहाँ पे हमें अलग अलग वो जितने भी शेप है, चाहे वो किसी भी प्लेयर की शेप हो, सचिन सर की शेप हो, धोनी की शेप हो, DK की शेप हो, दिनेश कार्तिक, जो भी शेप हो, तो आप लोग जब मैचेस देखते होंगे तो आप लोग शेप पे ध्यान से देखते होंगे बैट का, ध्यान से देखते हैं कि कौन सी शेप क्या कैसे, और मोस्टली प्लेयर अपने अपने हिसाब से, वो प्लेयर आप कस्टमाइज कराता है अपने हिसाब से, हर एक प्लेयर की वो कोई ऐसा नहीं है कि वो फलां की यूज़ करिए, वो आप प्लेयर को अपने कस्टमाइजेशन देते हैं, वो कहाँ पे उसको चाहिए, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, तो हमें उनके स्ट्रेंथ के मुताबिक ही बैट बनाना पड़ता है। और वो पीछे जो बैट रखे वो सब क्या, वो तैयार बैठे हैं, वो भी तैयार बैठे हैं जी, वो भी तैयार बैठे, वो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। अच्छा जी, इसमें स्टिकर भी चिपकाएंगे ये लोग भी अभी। हाँ, अभी तो वो आगे अगली प्रोसेस में है। अच्छा, अगली प्रोसेस जी, वो अगली प्रोसेस में। अच्छा, अरविंद जी आ जाइए, आपको भी अगलाई वाला करना है। एक्चुअली अभी इंटरव्यू चल रहा था, जिसकी वजह से हम तो ये रेस्ट कर रहे थे। ये हो गए टेनिस वाले बैट हो गए। अच्छा, पीछे का खोखला कैसे किया, गड्ढा कैसे मारे, ये मशीन है, मशीन के थ्रू किया जाता। अच्छा, है जी, ये टेनिस में अभी यही
डिमांड है हमें टेरेस में, यही चलता है पूरे इंडिया में। हल्का भी होता होगा काफी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ये तो काफी हल्का है। ये 650-700 ग्राम। कितने का? 650-700 ग्राम। 650-700 ग्राम का। ये 1 किलो तक देता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 1 किलो। मैक्सिमम 1 किलो तक। 1 किलो 1100 ग्राम तक के आसपास होता है सर। 1100 ग्राम। हाँ जी। अभी मैं आपको फिनिशिंग का पार्ट दिखाऊंगा। हाँ। इसमें जो सैंडिंग वैंडिंग करते हैं हम, तो सैंडिंग कैसे की जाती है? सैंडिंग जी वो क्या होता है, मतलब सैंड पेपर से? जी सैंड पेपर से। अरविंद, अरविंद आइए, अरविंद जी आप ही आइए। मशीन मशीन भी, मशीन की ये भी दिखाओ, फिनिशिंग और हाथ की भी दिखाओ। आइए अरविंद जी, आप ही हैं हम लोग के हीरो आज। हीरो हीरो नहीं है आप, क्या हैं आप? क्रिकेट देखते हैं अरविंद जी आप? हाँ जी, हाँ जी मैं देखता हूँ, क्रिकेट भी देखता हूँ मैं। कौन पसंद है ज़्यादा? मेरे को खुद मैं क्योंकि लाइफ में अपने आप को ही पसंद करना चाहिए। आप खेलते हैं क्रिकेट? क्रिकेट मैं नहीं खेलता सर, मैं सिर्फ बनाता हूँ, मेरा काम खिलाने का है। अच्छा। हाँ जी। तो प्लेयर नहीं पसंद कोई? डीजे वाला होता है जैसे, वो गाने बजाता है ना जी, तो वही नचाने का काम है अपना। हमारा काम है बनाने का, आप खेलें, हमें रिस्पॉन्स बताए कि आपके बैट से, हमारे बैट से आपको क्या फील हुआ। कोई प्लेयर नहीं पसंद खास? प्लेयर विराट कोहली है अपना, और हमारे जो पुराने खिलाड़ी थे कपिल सर जी, उनके जैसा कोई आने का भी नहीं है, और सचिन तेंदुलकर जी अपने हैं ही। विराट कोहली रिटायरमेंट ले लिया जी? नहीं जी अभी नहीं, नहीं लिया अभी, खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी संन्यास नहीं लिया, वो बताएंगे जब संन्यास लेंगे तो हमें बोलेंगे कि हम संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, दिखाइए अरविंद भाई, कहाँ के रहने वाले हैं अरविंद भाई आप? मैं सर यूपी का मेरठ का हूँ। मेरठ के हैं जी? जी जी गए थे हम लोग आपके यहाँ, आपके तो बड़ा काम होता है ये सब। हाँ जी सर, इधर से इधर ही आए हैं। मेरी पैदाश ये सब, मेरी पैदाश ये समझे कि मेरी फैक्ट्री की ये पैदाश मेरी यहीं की है, जो मैंने काम सीखा है सारा, जो गुणा है मेरा, मैं यहाँ सीख हूँ। मेरे को इस फैक्ट्री में जब से ये चली है, जब से ही मैं यहाँ पे उनके साथ। अभी जब फिनिशिंग होती है वो मोस्टली हम हैंड फिनिशिंग करते हैं, हम मशीन फिनिशिंग नहीं करते हैं मोस्टली। हाँ, जो जितने भी ये लेदर बॉल के बैट आपके रहते हैं, वो इनकी फिनिशिंग जो है वो खाली हाथ की करते हैं, क्योंकि हाथ से इसका जो ट्रू एसेंस होता है वो वहीं पे रह जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ता होगा ना। हाँ, मशीन से खाली टेनिस की होती है, तो बाकी जो लेदर बॉल के बैट है उनको हाथ से ही फिनिशिंग की जाती है। मशीन में होता ही क्या होगा बेसिकली, आप मशीन चालू करते होंगे, चक्का घूमता होगा, आप उस हिसाब से बैट पर प्रेशर डालते होंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप देखेंगे। तो जुनैद मशीन फिनिशिंग, आइए जुनैद भाई आपकी बारी अब। मशीन फिनिशिंग का बैट से कोई किसी बैट आजकल फिनिशिंग थोड़ा सा करो, मुझे सेट कर रहे हैं उधर। प्रोसेस के थ्रू जाता है, हर एक चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू की जाती है, और कोशिश हम ये करते हैं कि प्रोसेस को एक तो हम नेचुरल रखें, और ऐसे रखें कि जो बैट का जो फील है वो बराबर वहीं रहे, और कहीं पे ऐसा ना हो कि हम इसमें कोई वो नहीं कहते कि टाइम सेव हो कहीं पे, या तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वैसे हम कोई काम नहीं करते कि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो तो हम वैसे करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि भले ही कम ही बैट लेकिन ऐसे बने कि जिनसे प्लेयर को फीलिंग आए और वो बराबर मज़ा आए कि जो आना चाहिए उसको। इसके बाद तो पेंट वेंट करते होंगे, फिर फिनिशिंग करते होंगे, स्टिकर्स लगाते होंगे, ये सब होता होगा। लेदर बॉल बैट में तो पेंट वेंट नहीं किया जाता है कुछ भी, लेदर बॉल बैट में इसके बाद नहीं करते, बफिंग होती है। बफिंग करते हैं? हाँ बफिंग करते हैं, फिर स्टिकर विटिकर बफिंग से जो ग्लो आ गया आ गया, बफिंग से ही आता है इसका। इधर भी अरविंद भाई भी लगे हुए हैं। हाँ हाँ, उसके बाद अपनी ब्रांडिंग चिपका देते होंगे आप इस पर। इसी के लिए होती है वो, ऐसा नहीं ये नहीं कि नॉर्मली कोई भी सोप, वो इसी के लिए होती है, वो पर्टिकुलर इसी के लिए बफ सोप ही होती है, वही यूज होती है। यही सोप लिए हैं वो हाथ जी, में जी, जी।
कश्मीर की हम वाहिद ICC अप्रूव्ड ब्रांड है। कश्मीर में खाली एक ही ICC अप्रूव्ड ब्रांड है, वो हम हैं। ICC अप्रूवल का क्या मतलब होता है? मतलब आपके इंटरनेशनल प्लेयर तभी आपका बैट यूज़ कर सकते हैं जब वो बैट ICC अप्रूव्ड हो। वो ब्रांड पहले ICC अप्रूव्ड होना चाहिए, तब जाके ICC के मैचेस में आपका बैट चल सकता है। तभी वो चल सकते हैं, तभी आपके इंटरनेशनल प्लेयर आपको यूज़ कर सकते हैं आपका बैट। देखिए अब शाइन देखें, उसको हल्की सी आई होगी अभी। अब हाथ से हाथ फेरे फेरेंगे, अरे ये चिकना हो गया पूरा। तो अभी ये नेक्स्ट प्रोसेस में फिर जाएगा, इस पर भी ब्रांडिंग वेंडिंग हो जाएगी और ग्रिप लगेगा इसमें, फिर बेचने के लिए रेडी। हाँ, फिर बेचने के लिए। असल में बैट तुल जाए कहाँ से चुक तो ना मिल सकता। क्या क्या बोले क्या बोले? मैंने इसको बोला कि बैट वो इसके बगैर लाते कोई ऐसे, क्या कर दें? मैंने इसको बोला कि अंदर से कोई बैट और कुछ और लाते, वो वही बोल रहा था इनसे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया था। हाँ वो बारह सौ हर एक बैट को वजन रखना पड़ता है। तो हर एक जगह पे ये करना पड़ता है हमें। ठीक, हम चलते हैं आपकी दुकान में, बैट देख लेते हैं, तरह तरह के बैट, और कुछ बैट पे साइन वाइन करवा के रखे हुए हैं आप? हाँ जी, वो अभी बहुत सारे प्लेयर्स ने विजिट किया है यहाँ पे। अभी रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर जी भी आई हुई है और बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, तो सबसे साइन और बाकी सब यहाँ से उनसे आना जाना रहता है हमारी फैक्ट्री का। हाँ, वो है अंदर। आई आई आई, ये किसका साइन है? इसमें यूनुस खान का है। ये यूनुस खान का? जी, ये होगी हरमनप्रीत कौर जी। ये जी हरमनप्रीत कौर जी, ये हम ये दोनों, जी ये दोनों हरमनप्रीत कौर जी के ये हैं। और ये हरमनप्रीत कौर का साइन है, ये यूनुस खान का साइन है, ये जी। बहुत सारे आए हुए यहाँ पे अभी, ये पता भी नहीं चल रहा। ये तो शायद बरखा दत्त का साइन लग रहा है। ये बरखा, वो पिछली बार आई थी, तो जर्नलिस्ट है जो वो, हाँ वो पिछली बार उनका साइन। हाँ, ये तरह का बैट है जी। सबसे बढ़िया बिकने वाला बैट कौन सा, सबसे ज्यादा बिकता हो जो आपका? ये तो हर एक बिकता तो हर गई है वो तो, लेकिन सबसे जो बढ़िया वाला हमारा है वो भी है, ट्रंप का बैट। कहाँ पे है ट्रंप का बैट? ये एक किस्म हमारा एक डोंट से एक एक प्रो एडिशन है हमारा। प्रो एडिशन? जी प्रो एडिशन है हमारा, तो उसमें ट्रंप आ जाता है हमारा। अच्छा जी, जो फिनिक्स है और रेट्रो है वाला, वो था जो मोनिस्टर 109 जो 109 मीटर का छक्का गया था, तो इस बैट से गया था वो मोनिस्टर, पर्टिकुलरली इसका नाम ही फिर वही रखा मोनिस्टर 109। अच्छा, इस बैट का नाम रख दिया जी। तो ये वही बैट है, वैसे ही बैट बना हुआ है सब कुछ, मॉन्स्टर 109 मीटर जी। लाइट वेट है पूरा, जबरदस्त प्रोफाइल में है। हाँ, इसकी प्रोफाइल जबरदस्त रहती है और लाइट वेट में जो ये वाला भी ज्यादा है, 4500 में हम बेचते हैं ये वाला। ये 4500 का जी, पूरा लाइट वेट है और पूरा जबरदस्त, इसका पिंग बहुत जबरदस्त रहता है। और फिर फिनिक्स है, रेट्रो है, स्टेलर है। अब जी ये नीचे कैनवास वाले हैं क्या? ये रेट्रो हो गया, ये भी कंडीशन हो गया। नहीं, इसमें वो कर दो ना, स्टिक लगा दी। तो ये कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा है। ये हो गया हमारा वो बैट जो इंटरनेशनल जाता है, ये 15,000 वाला है। ये 15,000 वाला है, वो भी आप मान के चलिए कि जो 15,000 इसकी प्राइस है वो भी हम रियल प्राइस की 22,000 है वैसे। अभी ये पर्टिकुलरली जी 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 आप वही मान के चलिए, ये सबसे टॉप रहता है हमारा, यही इंटरनेशनल, ये यही इंटरनेशनल भी जाता है। अगर आप इसकी प्रोफाइल देखेंगे, इसके इसका फेस देखेंगे सब कुछ, तो आपको एक कितने सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इंटरनेशनली भी ट्रांसपोर्ट करते हैं? कश्मीर में कोई किसी को भी ICC अप्रूवल है ही नहीं, केवल आपको है। हाँ, तो आप ही केवल इंटरनेशनल में जी, इंटरनेशनल खाली हम ही देते हैं अभी। वो ICC अप्रूवल सर्टिफिकेट लगी हुई है वहाँ से। अच्छा, वो ICC अप्रूव्ड ब्रांड लगी हुई है सर्टिफिकेट्स। ये है कश्मीर में बैटों के ऊपर थोड़ी बातचीत, बैट्स के ऊपर भी थोड़ी बातचीत है। कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं,
कुछ ना कुछ नए नए बदलाव, नए नए चेंजेस, नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो बैट्स पे ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे पे अमितेश, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।